दोस्तों नमस्कार। आज है 27 जुलाई सन 2024 शनिवार। अजय एस्ट्रो मनी गुरु, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल, कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु, मैं आपसे मुखातिब होता हूं। दोस्तों आपका परिवार 1,61,000 से अधिक सब्सक्राइबर्स का हुआ है। 1,61,000 सब्सक्राइबर्स ने लगभग 1,30,00,000 से अधिक व्यू यानी बार हमारा चैनल देखा गया है, और ये इस बात की सूचना दे रहा है कि आपने कितना प्यार सम्मान हमारे चैनल को दिया है, और हमने आपको कमोडिटीज की हर तेजी मंदी को लगभग सही पकड़ के दिया है। दोस्तों 100 में से 100% हर मैच के अंदर शतक बनाना, हर बॉल पे छक्के मारना, हर बॉल पे विकेट लेना किसी भी बॉलर बैट्समैन की संभव नहीं है। जिस प्रकार आप अपनी दुकान पर बैठे हैं और आपके पास दिन में से यदि 25 ग्राहक आते हैं और आप 25 के 25 ग्राहकों को संतुष्ट कर आप उन्हें माल बेचें, ये कभी संभव नहीं हुआ है। उसी तरह से कुछ हमारी विश्लेषण डॉट सही गए हैं, कुछ में थोड़ी सी डिले हुई है और एक आध हमारी सही भी नहीं बैठी है, लेकिन 95 से 98% से अधिक विश्लेषण सही साबित हुआ है। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे काबुली चने के ऊपर। दोस्तों काबुली चने ने यदि हम पिछले एक साल का व्यू देखें तो एक साल के व्यू में अभी भी लगभग 2.5% की गिरावट है। काबुली चना इंदौर 42 से 44 काउंट का 26 जुलाई सन 2023 को 14,700 रुपये ट्रेड कर रहा था, और कल 26 जुलाई सन 2024 यानी एक साल बाद 14,300 पे ट्रेड कर रहा है, जो लगभग 2.72% कम है, लगभग 400 रुपये कम है। लेकिन एक महीने में ही काबुली चने ने सारी कमी पूरी की, एक महीने में निचले स्तर से शानदार रिकवरी की, एक वीक में रिकवरी करी। काबुली चने का बाजार अब क्या कह रहा है, क्या गतिविधियां हैं, पूरी जानकारी इस शो में देखें, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। दोस्तों इससे पहले हम आगे चले, आपसे एक विनम्र अनुरोध, यदि दालों में, मसालों में, अनाज में, तिलहन दलहन मसाला कपास, इन सभी की विश्लेषण आप एक सब्सक्रिप्शन में प्राप्त कर सकते हैं। रिसर्च रिपोर्ट आगे अग्रिम विश्लेषण प्राप्त कर सकते हैं, आज ही संपर्क करें, रिसर्च रिपोर्ट्स के लिए सहयोग राशि अदा करने पर ही उपलब्ध होगी। दोस्तों लगभग 1.25 महीने पहले जब काबुली चने के दाम काफ़ी नीचे गिरे हुए थे, और ये लगभग यदि 26 जून के आसपास लगभग 12,000 के नीचे था इसका भाव, यदि 23 से 25 जून के आसपास 2024 में देखें, उस वक्त हमने आपको इशारा दिया था कि काबुली चने में तेज़ी की संभावना बन रही है। और आप देखिए कि 26 जून 2024 से 26 जुलाई 2024 के एक महीने के बीच में लगभग 2,250 रुपये की एक तरफा तेज़ी देखी गई, जो प्रतिशत में लगभग 18.5% या 18.67% मानी जा रही है। तो दोस्तों ये अनुमान ही विशेष विश्लेषण है कि आपको कब माल आपको लेना है और कब आपको निकालना है। यदि एक सप्ताह पहले देखें 19 जुलाई से 26 जुलाई के बीच काबुली चना जो 42 से 44 काउंट इंदौर की बात करें तो इसमें 500 रुपये की तेजी आई है प्रति क्विंटल, लगभग इसकी यदि प्रतिशत देखें तो 3.62% हो गई है। 19 जुलाई को 13,800 रुपये के भाव थे जो 26 जुलाई को बढ़कर 14,300 रुपये हो गए हैं, 500 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़त के साथ, लगभग 3.62% का। मकसद आपको स्टैटिस्टिक्स देने का यह है कि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, और टाइम जो चूक जाता है वो कभी कोई फायदा ले नहीं सकता, और होता यह है कि टाइम से आप माल ले नहीं पाते हैं, टाइम से आप माल निकाल नहीं पाते हैं, और उसके बाद में फिर आप आंकड़ों की मायाजाल में फंस जाते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, ट्रेडिंग एग्रो कमोडिटीज की ट्रेडिंग एक चक्रव्यूह समान है, आप एंट्री तो करते हैं, तेजी भी आती है, निकल नहीं पाते हैं, और वो अभिमन्यु की जैसे वीरता दिखाते हैं, वाहवाही लूटते हैं, सब शाबाश कहते हैं, महावीरों के महावीर कहलाते हैं, लेकिन रिजल्ट क्या है, मैं आपसे यही पूछता हूं। भाव के ऊपर लोग बात कर रहे होते हैं, भाव आपको हम लोग निशुल्क देते हैं, 1 रुपया भी चार्ज नहीं करते, लेकिन विशेष रिसर्च विशेष विश्लेषण के लिए रिसर्च रिपोर्ट लेनी पड़ती है, उसके लिए आपको सहयोग राशि अदा करनी पड़ती है। दोस्तों काबुली चने का पिछला उत्पादन लगभग 18 लाख मैट्रिक टन का बताया जाता है,
और इस साल काबुली चने में शानदार उत्पादन लगभग 30 लाख मैट्रिक टन का हुआ, और यही वजह रहा कि पूरे साल काबुली चने ने काफ़ी हैरान परेशान किया और कुछ मूवमेंट नहीं बनी। लेकिन साथ साथ सरकार द्वारा काबुली चने पर स्टॉक लिमिट पहले लगाना उसके बाद हटाना भी एक महत्वपूर्ण रहा, और पिछले 3-4 दिन के अंदर ही जो साप्ताहिक हमने आपको दिया लगभग 500 रुपये की तेज़ी भी देखी गई। काबली चने की नई फसल लगभग फरवरी मार्च से चल रही है, और पिछले साल की रिकॉर्ड तेज़ी को देख के शानदार बिजाई भी हुई थी, और उसका उत्पादन भी काफ़ी हद तक जो मैंने आपको बताया 18 लाख से 30 लाख मैट्रिक टन हो गया है। लेकिन पिछले लगभग 6 महीने से देखा जाए तो काबली चने ने व्यापारी और किसानों को बहुत परेशान किया, और यही वजह रहा कि काबुली चने पे बिजाई जिसने की थी वो परेशान रहा। गौरतलब है कि काबुली चने के अंदर पिछले लगभग 1 महीने में 2250 रुपये से ऊपर की तेज़ी हुई है पर क्विंटल, और एक सप्ताह में लगभग 500 रुपये प्रति क्विंटल की तेज़ी हुई है। में काबुली चने के दाम 96 रुपये प्रति किलो बताया जा रहा है। कर्नाटक का माल 112 रुपये के ऊपर बिक रहा है। इंडियन मैक्स भी 120-123 रुपये की शानदार ऊंचाई पर पहुंच रहा है, और इस बार और लगभग 6 महीने के बीच में औसत भाव यदि हम महाराष्ट्र का देखें तो 85-90 रुपये प्रति किलो है। और पिछले यदि कुछ दिनों में जैसे हमने आपको बताया कि 500 रुपये प्रति क्विंटल यानी 5 रुपये की तेज़ी एक सप्ताह में ही देखी गई है, और जहाँ पे इंडियन मैक्सिको माल में भी 10-12 रुपये के भाव प्रति केजी बढ़ा है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि क्या बढ़े हुए माल पर मुनाफा वसूल कर लेना चाहिए या भी इंतज़ार करना चाहिए। ये भाव में तेज़ी लगभग 18% और या 3% वीकली, 18% तकरीबन मंथली और 3-3.5% वीकली में बढ़ने की वजह भी कुछ, एक तो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में इसके भाव बढ़े, बल्गारिया, ब्राज़ील, कनाडा के माल में भी कुछ तेज़ी बनी, और होता यह है कि जब समय से जो माल ले लेता है, समय से बेच लेता है, वो व्यापारी हमेशा सुखी रहता है। और होता यह है कि सब माल मुझे ख़रीदना है तो मैं तो सबसे नीचे के दामों में माल खरीदूंगा, बेचना है तो मैं सबसे ऊंचे दामों पर माल बेचूंगा, इससे पहले नहीं बेचूंगा, मेरे पास तो रखने की ताकत है, मेरा पास तो खुद की पूंजी है, मेरे पास खुद के गोडाउन है, मुझे क्या चिंता है, इस तरह की बात व्यापारी अक्सर करते हैं और 30-40 साल 4 पीढ़ी 3 पीढ़ी का हवाला देते हैं कि हमें कितना अनुभव है, और फिर बाद में अरे आपने कहा था, आपने समझाया था, लेकिन मेरी तो दिमागी कुछ और कह रहा था। तो दोस्तों इन सब चीज़ों के अंदर एक विश्लेषक जो उस बाज़ार पे सिर्फ नज़र रख रहा है उसकी वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपका कमीशन एजेंट आपको कहोगे जी मुझे माल बेचना है तो कहेगा जल्दी बेचो क्योंकि उसकी कमीशन तभी आएगी। आपको खरीदना है तो कहेगा तुरंत खरीदो, रेट बढ़ने वाले हैं। बेचने वाला बेचना है तो कहोगे जल्दी बेचो, माल घट सकता है। लेकिन जो स्वतंत्र विश्लेषक होता है वो आपको सटीक अपना विश्लेषण देता है क्योंकि उसको खरीदने और बेचने में कमीशन नहीं है। तो दोस्तों आपने इस चैनल को जो प्यार मोहब्बत दी है, विश्वास दिया है, समर्थन दिया है, मैं आपको तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ साथ हमारा एक साप्ताहिक अखबार जिसका मात्र 3,000 रुपये वार्षिक शुल्क पर उपलब्ध है, ये मंडियों के डेली भाव आपको देता है आपके व्हाट्सएप पर, और हर सप्ताह कमोडिटी बाज़ार की संपूर्ण जानकारियाँ आप तक पहुँचाने का हर संभव प्रयास करता है 42 कमोडिटीज़ के ऊपर। एक अखबार से आप देश दुनिया की खबरों से लगातार रूबरू रह सकते हो, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खबरों से रूबरू रह सकते हो। तो दोस्तों हमारी रेगुलर सर्विस या अखबार आप लेना चाहते हैं, नंबर स्क्रीन पर दिया है, आज ही संपर्क करें। दोस्तों जल्दी कीजिएगा, ऐसा ना हो कि देर हो जाए। काबुली चने में क्या मुनाफा वसूल करना चाहिए या अब आगे तेज़ी की संभावना है, आगे त्यौहार हैं, डिमांड है, या भाव क्या कह रहे हैं, विशेष रिपोर्ट के लिए संपर्क करें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।